ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे जो कि 29 सितंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में अंकित किया हुआ है, क्योंकि दिल की बीमारी से जो मृत्यु होती है वो नंबर एक किलर माना जाता है दिल की बीमारियाँ। अब दिल का बचाव करना ही है, और ख़ास करके आजकल तो पैंडेमिक कोविड चल रहा है, ड्यूरिंग कोविड टाइम हम लोग को किस तरह से दिल का बचाव करें, तो मैं दो बातें करूँगा। एक तो उनके लिए जिनको हार्ट की बीमारी नहीं है, और दूसरे उनको जिनको हार्ट की बीमारी है। जिनको दिल की बीमारी नहीं है उनको बचाव रखना है अपने को, तो रेगुलर एक्सरसाइज सबसे हमको पता है, लेकिन हम लोग फिर भी मिस कर देते हैं। आजकल लोग आउटडोर जाना बच रहे हैं, तो घर के अंदर ही अगर 10 से 15 मिनट सुबह एक्सरसाइज कर लें और 10 से 15 मिनट सुबह शाम को कर लें खाना खाने से पहले, तो बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरी बात है कि अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखिए, डायबिटीज़ अगर है तो कंट्रोल रखिए, और नहीं है तो चेकअप कराते रहिए, कोलेस्ट्रॉल की जाँच कराते रहिए, ऑफकोर्स अगर धूम्रपान कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, टोबैको खा रहे हैं, तो उसको बचाव करें, उसको ना खाएँ, और दूसरों को भी ना खाने दें। अब जो पेशेंट्स हार्ट के हैं जिनका बाईपास सर्जरी हो चुकी है या एंजियोप्लास्टी हो चुकी है स्टेंट, या उनको एंजियोग्राफी हो चुकी है और माइनर ब्लॉकेजेस है, उनको दवाइयां रेगुलर नियमित रूप से खानी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेगुलर दवाइयां खानी है। और तीसरी बात यह है कि अगर उनको एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, डॉक्टरों को रेगुलर दिखाना है, आप अस्पताल जाने में डर रहे हैं, तो भी आप वीडियो कंसल्टेशन द्वारा सारे पेशेंट्स को अपने डॉक्टरों से, जो भी डॉक्टर उनके हैं, उनको 3-3 महीने या 2-2 महीने पे जैसा कि ज़रूरत है दिखाते रहना चाहिए। और सबसे आखिरी बात, SMS जो हमने अपने प्रधानमंत्री जी ने बताया है अपने, कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क, खास करके अगर हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि COVID-19 से बचना है सबको। और अपनी डॉक्टरी सलाह लेते हुए ये SMS का पालन करें, और मैं सबसे ये कहूँगा कि रेगुलर दवाइयाँ खाना ना भूलें। डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे जो कि 29 सितंबर को मनाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।